नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। शाम के 4 बज रहे हैं, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत और सूर्य ग्रहण पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर हमारी बड़ी कवरेज। सूर्य ग्रहण साल 2018 का आखिरी और तीसरा सूर्य ग्रहण ये जो इस वक्त जारी है। बड़ी बात यह है कि आंशिक सूर्य ग्रहण है, भारत में ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए सूर्य ग्रहण की जब बात होती है तो कई भ्रांतियों की बात होती है, भ्रम सामने आते हैं और लोग सच जानना चाहते हैं। हर बार की तरह एबीपी न्यूज आपको भरोसा दिलाता है कि आपके मन में इस वक्त जो सूर्य ग्रहण चल रहा है उसको लेकर जो भी सवाल है उसका सही जवाब हम इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे, झूठ को दूर करेंगे और सच के करीब आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। और इसके आज हमने हमारे न्यूज रूम में खास इंतजाम कर रखे हैं, हमारे साथ धर्माचार्यों का खास पैनल है, उनके साथ दूसरी तरफ तर्कशास्त्री और वैज्ञानिक हैं, यानी आस्था बनाम विज्ञान का शास्त्रार्थ आज होने जा रहा है, जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा तो क्या इसका राशियों पर असर पड़ेगा, क्या वाकई ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है या उसे मनुष्य की आस्थाओं से भी जोड़कर देखा जाए, और सूर्य ग्रहण के साथ क्या करें क्या ना करें, और एक जो डर का कारोबार जोड़ा जाता है वो कितना सही है। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। तारीख 11 अगस्त 2018, दिन शनिवार, शनि अमावस्या के दिन सूर्य पर लग गया ग्रहण। दोपहर 1:32 से शुरू हुआ सूर्य ग्रहण शाम 5 बजे तक चल रहा है। सूर्य ग्रहण यानी एक ऐसी खगोलीय घटना जिसमें सूर्य के चक्कर काटती पृथ्वी के बीच पृथ्वी के चक्कर काटता चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने से पृथ्वी से सूर्य पर काला धब्बा दिखाई देने लगता है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा। करीब 208 मिनट तक रहने वाला सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी एशिया, दक्षिण कोरिया, मॉस्को और चीन में दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये उठता है, सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोल विज्ञान से जुड़ी घटना है या फिर सूर्य ग्रहण का संबंध आस्था और मनुष्यों की राशियों से है। सूर्य ग्रहण का इस बार एक विशेष महत्व भी है। जैसे भारत में सूर्य ग्रहण को लेकर अनेक तरह की भ्रांतियां हैं, ठीक उसके विपरीत इस बार सूर्य ग्रहण पर विशेष प्रयोग हो रहा है। सूर्य के प्रचंड तापमान वाले वातावरण को टटोलने और सूर्य तक मानवों के पहले मिशन के उद्देश्य से $1.5 अरब की लागत से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपना यान सूर्य स्पर्श फ्लोरिडा से लॉन्च कर रही है। नासा के यान का मुख्य लक्ष्य सूर्य की सतह के आसपास के सामान्य वातावरण के गूढ़ रहस्यों का पता लगाना है। नासा का सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान सूर्य के करीब 62 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर सूर्य की तस्वीरें खींचेगा और सूर्य के तापमान का अध्ययन करेगा। तो सवाल ये कि सूर्य ग्रहण को विज्ञान की नजर से देखें या धर्म के चश्मे से। शनि अमावस्या पर सूर्य ग्रहण पड़ने से क्या राशियों पर असर होगा? भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा, लेकिन क्या भारतीयों पर प्रभाव होगा? ग्रहण के दौरान क्यों कुछ खाने पीने से मना कर दिया जाता है? ग्रहण पर क्यों मंदिरों के कपाट बंद रखने को कहते हैं? ग्रहण के बाद क्यों पवित्र नदियों में स्नान का महत्व रहता है? ग्रहण के दौरान क्यों खाने में तुलसी की पत्ती रखने को कहते हैं? सूर्य ग्रहण पर आस्था का विश्वास और विज्ञान के प्रमाण आज बताएंगे सच। तो देखिए, ज्योतिष सच्चा या विज्ञान, आस्था वर्सेस विज्ञान, ये शास्त्रार्थ लाइव जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और जैसे जैसे मैं मेहमानों का रुख करूंगी आपका उनसे परिचय कराऊंगी। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं, मैं बता दूं डॉक्टर मनीष मोहन जो कि वैज्ञानिक है हमारे साथ आज की इस चर्चा में है। डॉक्टर मोहन, एक सवाल तो जरूर उठेगा, देखिए नासा का जो यान है सूर्य स्पर्श करने के लिए जिसे लॉन्च किया जाना था आज दोपहर में, वो लॉन्च ही नहीं हो पाया, मजबूरी में उसे कल के लिए टालना पड़ा। तो ये सवाल अब उठ रहा है कि ये तो नासा के अपने यान पर ही ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण को माने या ना माने ऐसे में? ये अपने आप में अंधविश्वास है। वहाँ तकनीकी कारणों से और मौसम जो दो फैक्टर हैं जो निकल के सामने आया उन कारणों से ये हुआ, इसमें कोई ऐसी अंधविश्वास की बात नहीं है। धर्मगुरु HS रावत साहब मेरे साथ है, तकनीकी कारण से हुआ, सूर्य ग्रहण का नासा के मिशन पर कोई असर नहीं पड़ा, उसे सूर्य ग्रहण से नहीं जोड़ सकते। नेहा जी, क्या होता है वैज्ञानिकों का, जब इनका कोई मिशन फेल होता है तो ये बोलते हैं कि तकनीकी खराबी है,
और जब ज्योतिष का कोई अगर मामला फेल हो जाए तो अंधविश्वास है। इनको ना ऐसे ले सकते हैं ना वैसे ले सकते हैं, लेकिन यह सच यह है कि सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का एक वैज्ञानिक आधार होता है। आज हम इस शास्त्रार्थ में ये प्रूव करेंगे, ये बताएंगे कि सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य की छाया जब पृथ्वी पर नहीं आने देता तो निश्चित तौर पर ओजोन परत डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण जो रेडियो एक्टिव तरंगे यानी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो ओजोन परत से कम आती हैं और पृथ्वी का वातावरण डिस्टर्ब होता है, ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब होता है। ये वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है। जब वैज्ञानिक इस बात को प्रूव करते हैं कि ग्रहण के टाइम पर ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब होता है तो हर पिंड का ग्रेविटी फोर्स होता है और हर जीव का ग्रेविटी फोर्स होता है और हमारा भी ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब होता है और जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका भी ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब होता है। आपने तर्क की बात की, वो कह रहे हैं वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक नीरज मेरे साथ है, तो फिर वो कह रहे हैं कि भाई जब वो वैज्ञानिक आधार है तो उसी हिसाब से जो मनुष्य की राशियां हैं वो भी प्रभावित होती हैं, उसको भी वैज्ञानिक तौर पर आप लीजिए, भ्रम मत बोलिए उसे। पहली बात तो जो ये कह रहे हैं कि राशियों पर फर्क पड़ने वाला है, जो राशियाँ आपने बना रखी है वो चंद्रमा के हिसाब से बना रखी है और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने बना रखी है वो बना रखी है सूरज के हिसाब से, तो आपका जब आधार ही उलट पुलट हो रहा है। विज्ञान कौन सी राशियों को मानता है? आपका विज्ञान आप वेस्टर्न को मानता है, हम तो चंद्र राशि को मानते हैं। चंद्र राशि को मानते हैं तो हम वही कह रहे हैं ना, आप तो नहीं मानता विज्ञान राशियों को नहीं मानता। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सूरज की नहीं विजिबल आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तारे विजिबल है, मुझे तारे दिखते हैं आसमान में बस, मुझे तारे दिखते हैं, उनसे लाइट आती है, उनसे किरणें आती है, मैं उनको देखता हूं। आपने तारों का इफेक्ट नहीं है। एक मिनट, हमारे साथ और भी खास मेहमान है, आचार्य सुरेंद्र शर्मा है, हाँ बोलिए। वो कह रहे हैं उन्हें आसमान में तारे दिखते हैं, राशियों की बात नहीं है। हाँ, तो तारों के ही आकृति को लेकर के हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो ऋषि मुनि थे, तारों की आकृति, जिसकी मेष थी, जिसकी कन्या थी, जिसकी वृषभ जैसी आकृति थी, मेड जैसे, उस तरह से ही राशियों को ईजाद किया है। और सूर्य जो है हमारे सारे 9 ग्रहों का राजा है। अगर सूर्य को ग्रहण तो, और देखिए मन पितर वायु ऋतु प्रभा का पुंज है सूर्य, तो सूर्य ही जब वहां ग्रहण लगेगा तो, और ये भी अमावस की जो शनिचरी अमावस और हरियाली अमावस और श्रवण मास की, तो निश्चित रूप से प्राणी मात्र नर नारी पृथ्वी के सारे जीव निश्चित रूप से डिस्टर्ब होंगे। वो कह रहे हैं डॉक्टर मनीष मोहन से मेरी बात हो गई। अब मेरे साथ जो अगले हमारे मेहमान है डॉक्टर सचिन बांबा, आप बताइए वो जो कह रहे हैं उसमें आपको तर्क क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए मैं बड़ा सिंपल सा इसका लॉजिक बताता हूँ। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्र पे पड़ती है, आज कोई छाया सूरज पे नहीं पड़ने वाली है, आज तो जो छाया चंद्र की है वो पृथ्वी पे पड़नी है, तो हम इसको साइंटिफिक भाषा में ऑकल्टेशन बोलते हैं। इसलिए ये ग्रहण को, इसको कहना ग्रहण की वहां से कुछ बदलने वाला है, कुछ नया होने वाला है, कह रहे कष्ट होता है लोगों को, कष्ट होता है अमावस्या पर ये हो रहा है। जी मैं आपको बताता हूँ, अमावस्या पे ही चंद्र दोनों के बीच में आ सकता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, इसलिए ऐसा जो प्रतीत होगा कि चंद्र ने सूर्य को ढक लिया वो अमावस्या के दिन ही होगा। लेकिन डायरेक्ट तो नहीं आ रही ना, सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं आ रही, बीच में चंद्रमा अड़ गया ना, उसमें अपशगुन क्या हुआ, अशुभ क्या हुआ, उसमें नेगेटिविटी आ गई, यही नेगेटिविटी। एक मिनट सुनिए, सूर्य से आने वाली पूरी की पूरी किरणें जब हम तक आ रही हैं और हम उससे अगर हमारे को कोई नुकसान होता है तो चंद्र बीच में आकर उल्टा उस नुकसान की किरणों को रोक रहा है। इनफैक्ट एक गर्भवती स्त्रियों के लिए आप सीधी सीधी बात करें, मेरा चैलेंज पहले भी था आज भी चुनौती है गर्भवती स्त्रियों के लिए, क्या जो अंदर जो शिशु है वो प्रभावित होगा या नहीं, ये अंजलि गौतम तर्कशास्त्री मेरे साथ, उनके सवाल का जवाब। इसका जवाब ये है कि गर्भवती स्त्रियों को उसका फिजिकल इफेक्ट तो पता नहीं, लेकिन इतना उनको डरा दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप अंधेरे कमरे में रहो या फिर आपको उनके लिए अलग अलग रिचुअल्स बता दिए जाते हैं। तो सपोज आज के टाइम में कोई वर्किंग प्रेग्नेंट लेडी है, वो एक अंधेरे कमरे में जाके नहीं कर सकती या फिर छुट्टी नहीं ले सकती, तो वो वैसे ही सोच के डरती रहेगी कि पता नहीं मेरे शिशु पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा, तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके बेबी पे जरूर होगा। आपने कहा कि मुझे डर का कारोबार हो रहा है, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं फिजिकल इफेक्ट, मैं बता दूं
वो जो किरण है जो शिशु जो डेवलप होगा, यदि वो धारदार चीज से वो काटेंगी कोई भी सब्जी इत्यादि कपड़ा इत्यादि, तो गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा होता है क्या? चित्रा खत्री खगोल शास्त्री हमारे साथ। ऐसा होता है चाकू का इस्तेमाल गर्भवती स्त्रियां न करें, किरणों से बच्चे को सीधा खराब प्रभाव। मैं इस पे कहना चाहूंगी कि हमारी खुद की, मेरी खुद की माता जी है, इनफैक्ट मेरे घर में इतनी औरतें हैं, इतनी बार उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी में खाना बनाया है। खाना और कौन बनाएगा, मेरी माता जी को तो आज तक कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट आपकी, आप खुद देखेंगे आपके घर में भी कितनी आसपास कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, वो अपना पूरा दिनचर्या उसी पर जी चलाती हैं, सारा काम खुद ही करती है। सोयों एग्जांपल एशिया में ऐसे हैं जहां पर, और यूरोप के अंदर जब 7 मास का गर्भ गिर जाता है और देखिए वो खंडित गर्भ। सिवाय तुलसी का, एक तुलसी का जो पत्र है वो रख लें, तुलसी का पत्ता और गोबर थोड़ा सा, या गेरू, सिर्फ गेरू उस पर गर्भ पर थोड़ा लगा लें। आप मुस्कुरा रहे हैं। तुलसी के तो वैसे ही इतने लाभ होते हैं, अगर आप तुलसी को वैसे ही कंज्यूम करेंगे, भले ही आप ग्रहण वाले दिन लें या ग्रहण दिन वाले दिन ना। तर्क और शास्त्रार्थ दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तर्क और श्लोक दोनों इसमें आ रहे हैं। अच्छा आचार्य वल्लभ जोशी जी, ये बताइए कि ये विज्ञान के चश्मे से इसको देखा जाए या धर्म के चश्मे से सूर्य ग्रहण को? वैज्ञानिक कह रहे हैं खगोलीय घटना, मानिए इसे आप बस। देखो नेहा जी, ज्योतिष और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू, आज उसको भिन्न कर दिया। जो हमारे प्राचीन ऋषि थे, गणितज्ञ थे, उन ऋषियों को आजकल वैज्ञानिक कहते हैं, वो उसमें ऋषि कहते थे। और जब अभी हमारे भाई कह रहे थे सूर्य और चंद्रमा से राशि, भाई चंद्रमा से राशि है और चंद्रमा का आधार सूर्य है, संक्रांति सूर्य से होती, सूर्य और चंद्र दोनों के कारण कालगणना होती है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं मेरे मित्र वैज्ञानिक होकर के। तो भारत में अगर सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा तब भी भारतीयों की राशि पर इसका असर पड़ेगा, कैसे? देखिए जब उसका प्रभाव भारत में पड़ ही नहीं रहा है तो उसका भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। हाँ यूरोप में है, अभी अभी नासा की चर्चा चल रही थी, कहीं ना कहीं तो प्रभाव है उसका, प्रभाव दिखाई दे रहा है उसका। नहीं नहीं नहीं, तो यूएस में तो ग्रहण हो ही नहीं रहा है। अरे तो हम बताते हैं उत्तर अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका के अंदर है लॉन्च हुआ है, केप कैनेवरल जहाँ से लॉन्च साइट है, जहाँ से लॉन्च हुआ है वहाँ पे ग्रहण का नामो निशान नहीं है। आप ये बताइए वहाँ पे ग्रहण से क्या फर्क पड़ सकता है, बताइए क्या असर पड़ सकता है? ऐसा है, जाना तो सूर्य की कक्षा में, उसने चाहे भारत से भी छोड़ा जाता तो डिस्टर्ब होता हो। आज नहीं होना, आज होगा नहीं, कल सुबह होगा। सुनिए आज नहीं जाना है। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, आप इसमें हमारे वैज्ञानिक भाई हंसेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय में सबसे पहले जटायु वो व्यक्ति था, वैज्ञानिक था, आप इसको सामान्य अर्थों में ढूंढिएगा, आपके लिए एक विषय दे रहा हूँ। बाली के राज्य में किष्किंधा क्षेत्र में सबसे पहले जटायु और उसके भाई ये सूर्य यान की ओर बढ़े थे और वो भी खंडित होके। पता है आपको जटायु बाली का पूरा प्रकरण बता रहे हैं। देखिए मुझे हो सकता है उनके, मेरी नॉलेज नहीं है इसके बारे में इतनी, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं एक ही प्रश्न बार बार पूछता हूँ कि अगर भारत के पास इतना विज्ञान था, वो विज्ञान है कहाँ? हमारे को दे दीजिए। हम लोग बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से। बताइए आचार्य डीपी शास्त्री जी। मैं कह रहा हूँ कि संपाति उसका भाई था, और संपाति का पंख जनले का वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, कन्नक भुद्राकार शरीरा समय भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी भी प्रूफ किया और संपाति भी प्रूफ किया है, और आपका राम सेतु प्रूफ है, आपका समुद्र प्रूफ है, और जितना आप कह रहे मामा साहब प्रूफ है। एक बात मुझे बताइए, जब भी कोई आदमी सूर्य के करीब जाएगा या उसमें ओवर एक्सपोज होगा या एक लेयर ऑफ एटमोसफेयर से ऊपर जाएगा तो जलना स्वाभाविक है, इसमें कोई नया ज्ञान थोड़ी दे रहे हैं वो। आपने ताली बजाई क्यों? मैंने इससे ताली बजाई, वैज्ञानिक बंधु इस बात को, अध्ययन को स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ये अभी कह रहे थे भारत में कहाँ ज्ञान विज्ञान है, मैं कहता हूँ आप जैसे तो तेजस्वी भाई शोध कर रहे हैं तो हमारे भारत का भाई भविष्य बहुत उज्जवल। शास्त्री प्रीतिका जी भी हैं। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जितना भी साइंटिस्ट भाई है यहाँ के सबको नमस्कार मैं करती हूँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ जब 5000 साल पुराने हमारे ऋषि मुनियों ने इतना सब कुछ बना के गए, आज की डेट में जो आप कोई भी आप मंदिर में जाइए आप देखेंगे वो वास्तु शास्त्रों के हिसाब से है, और अगर उन लोगों में ये ज्ञान नहीं था, उस समय साइंटिस्ट तो नहीं था ना, उस समय सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण उस समय भी माना जाता था, पर आज से जोड़ दिया गया ना, बात तो यही हो रही है कि उसको अंधविश्वास से जोड़ा जा रहा है। अब अंधविश्वास क्यों, डर क्यों?
डर नहीं, डर की बात नहीं है इसमें, इसमें लोग डरते डरना नहीं चाहिए। मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या होता है, सूर्य और जो पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं उसमें क्या होता है, जो चंद्रमा की छाया से पृथ्वी ढक जाते हैं इस वजह से ग्रहण होता है। ये साइंटिफिक रीजन जरूर है, पर अंधविश्वास यहाँ से कहाँ से आगे मुझे समझ में नहीं आते। ये हमारे हमारे आप हमारे अगर ध्यान से पढ़ें तो हमारे जो पुराने पौराणिक शास्त्र हैं उनमें राहु और केतु की बात होती है। ये तो साइंस ने बताया कि राहु केतु है नहीं, जो आज हम सारी लैंग्वेज सुन रहे हैं। आज सचिन जी, राहु केतु छाया ग्रह हैं और ये छाया का ही प्रभाव तो हम बता रहे हैं आप। मैं यही तो कह रहा हूँ, आज सूर्य पे कोई छाया नहीं पड़ रही है, आज सूर्य पे कोई छाया नहीं पड़ रही है, किसी भी लाइट सोर्स पे कोई छाया नहीं पड़ती है। छाया तो है, ग्रहण तो है, आप मानो ना मानो। अरे ग्रहण, आप मुझे ये तो बताइए, ये ग्रहण नहीं ऑकल्टेशन है। आपको शायद अभी ये समझ में नहीं आई मेरी बात। ऑकल्टेशन मतलब दर्शकों के लिए बताइए जरा। केवल जब कोई चीज हमें दिख रही होती है उसके सामने कोई दूसरी चीज आ जाए तो उसको ऑकल्टेशन कहते हैं, क्योंकि सूरज अवरोध है, क्योंकि सूरज एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के ऊपर कोई छाया नहीं पड़ सकती। है आपके सामने मैं पर्दा लगा दूं, मुझे आप नहीं दिखाई दोगे तो फिर नुकसान तो हुआ ना मुझे, आप सचिन जी नहीं दिखाई दे रहे। फिर ग्रहण का मतलब है ग्रहण कर लेना, उसको ले लेना। छाया आज सूर्य को नहीं ले रही, आपको आइडिया नहीं। आज सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि ग्रास करना किसी चीज को। हाँ, तो यहाँ पर जो चंद्रमा नहीं कर रहा है, आज सूर्य को कोई ग्रास नहीं कर रहा है, आज ग्रास नहीं कर रहा है कोई भी। क्या अगर वहां से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं और चंद्रमा उनको रोक रहा है, उसका इफेक्ट पृथ्वी के ऊपर होगा या नहीं होगा? जी, उसका 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 इफेक्ट पृथ्वी पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि कम अल्ट्रावायलेट रेज उस रीजन में आएंगी जिस जी बिल्कुल उल्टा। अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी पर कम आएंगी तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा बढ़ेगा या कम होगा? अल्ट्रावायलेट रेज का मैं गुरुजी को बताना चाहूंगा, गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या बात करते हो, आप सर्च मारिए, आप सर्च मारिए, आप जो आप सर्च मारिएगा, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये बात है कि सूरज और आप सुनिए, जब सूरज सुनिए, सूरज चंद्रमा और पृथ्वी जब एक लाइन में आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण पे फर्क पड़ता है। अल्ट्रावायलेट रेज का गुरुत्वाकर्षण पे, अल्ट्रावायलेट रेज का गुरुत्वाकर्षण पे फर्क नहीं पड़ता। मैं बताऊंगा, मैं बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। अगर अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा पृथ्वी पर आएंगी, ओजोन पर डिस्टर्ब होगी, ओजोन 2 से ओजोन 3 होगा तो ग्रेविटी फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, ग्रेविटी फोर्स ज्यादा बढ़ेगा तो गैसेज डिस्टर्ब होंगी। ओजोन लेयर O3 ही होती है, इट इज नॉट O2। और दूसरी चीज, अल्ट्रावायलेट रेज अगर आप पढ़ेंगे तो उससे हमें नुकसान ही होता है। देखिए, सुनिए आप, देखिए, एक मिनट, रावत साहब माइक नहीं है आपके पास, आप लोग आपस में नहीं तर्क कर रहे हैं, आप लोग दर्शकों के लिए बात कर रहे हैं। माइक जिसके पास नहीं है उसकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। एक मिनट, मेरे साथ एक मेहमान और हैं, मेरे साथ पंडित राम शरण शास्त्री हैं, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी, हमारे धर्माचार्य और हमारे वैज्ञानिक की जो हमारे पंक्ति में यहाँ बैठे हुए हमारे मेहमान है उनको भी जरा सुने, आप सबकी बात दर्शकों ने सुनी है। पंडित राम शरण शास्त्री जी, आपने पूरा का पूरा यहाँ पे शास्त्रार्थ जो अभी हुआ वो सुना, आपको क्या लगता है सूर्य ग्रहण को हम धर्म के चश्मे से देखें, इसके साथ राशियों को जोड़े, या फिर कहें ये सिर्फ और सिर्फ एक खगोलीय घटना है? मैम, खगोलीय घटना नहीं है, ये धर्म है और वैज्ञानिक है, दोनों हैं। देखिए, अभी ये दोनों सब बात कर रहे थे, प्रैक्टिकली सूर्य ग्रहण में अगर कोई चीज काटी जाए, ये प्रेग्नेंट लेडी काटती है, उसके बच्चे पर 100% डिफेक्ट पड़ता है, ठीक, और निश्चित है, ये प्रमाण है। और आप देखिए, आप रिसर्च करिए, देखिए, कोई डराने की बात नहीं, धर्म डराता नहीं है, धर्म भय क्यों पड़ता है, क्यों पड़ता है? सवाल उठेगा ना कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे कहा जाता है कि ग्रहण के वक्त आप खाना ना खाइए, लेकिन जो बीमार है उनके लिए कहा जाता है कि आप खा लीजिए। अगर बीमार को उस वक्त खाना खाकर असर नहीं पड़ रहा है तो स्वस्थ को तो बिल्कुल नहीं असर पड़ना चाहिए उस वक्त खाना खाकर, इसमें तर्क क्या है? तर्क मैम, बालक वृद्ध रोगी के लिए नियम है ना, उसको अगर दवाई देनी है तो दवा तो देनी पड़ेगी उसको, और दवा तो आप बिना खाए लिए नहीं सकते हैं। स्वस्थ आदमी को फर्क पड़ेगा, बीमार तो बीमार ही है मैम, अस्वस्थ आदमी बीमार होगा। आप मुस्कुरा रहे हैं, उनका उनकी बात नहीं जम रही आपको? नहीं, इनकी बात नहीं जम रही, इसका रीजन ये है नेहा, क्योंकि पहले के 100 साल पहले ना गूगल होता था, ना साइंटिस्ट होते थे, ना टेलीस्कोप होता था, तो ऐसी कोई भी घटना अगर होती थी जो कि कौतूहल का विषय होती थी, लोगों को समझ नहीं आता था, तो उसके आसपास बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत सारे सुपरस्टिशियस
बिलीव्स होते थे। आप देखोगे कहीं कहेंगे कि सूर्य ग्रहण होता है क्योंकि ड्रैगन आसमान में ऐसे सूरज को खा लिया इसलिए सूर्य ग्रहण हो गया। फिर बोलते हैं एक ही है ना, सूर्य तो एक ही है, देखिए पृथ्वी एक है, सूर्य एक है और प्राणी हमारे हैं, तो कहीं भी सूर्य के कहीं भी ग्रहण लगेगा तो पृथ्वी पर। कहानियां ड्रैगन होता है, नहीं ड्रैगन खा लेता है, दुनिया के एक कोने में कहते हैं ड्रैगन ने खा लिया इसलिए क्या नाम है सोलर एक्लिप्स हो गया। सूर्य पृथ्वी भी एक है तो क्यों वो किरणें आने से नेगेटिविटी तो बढ़ेगी ना। आप एक और चीज बोलते हो, आप बोलते हो कि खाना नहीं खा सकते सूर्य ग्रहण में, तो उसका रीजन ये देते हो कि बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है क्योंकि सन की रेज नहीं आती। तो आप ये बताओ ऐसे तो फिर डिनर में आप जो भी बनाते हो वो तो हमेशा ही आपका इन्फेक्शन होना चाहिए, वो तो कभी खाना नहीं, 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 नहीं। वो सूर्य उस समय देखिए सूर्य निकल, डिनर का अलग अलग नियम है, रात्रि का आप दिन में उसमें तुलसी का पत्ता रख के खा सकते होता है। ऐसे एक बात बताइए, ग्रहण जब होता है पृथ्वी के कितने पोर्शन में कितने भाग में ग्रहण पड़ता है? ग्रहण कहीं पर भी हो, सुन लो कहीं वर्ल्ड में कहीं हो, आज चाइना में, रशिया में, लेकिन यहाँ तक साथ में मैं कुछ डाटा देना चाहूँ, एक मिनट सभी सुने अच्छा, डेटा देख लेते हैं फिर उस पर करेंगे शास्त्र। अभी रिसर्च की बात हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा कर्नाटका में पिछले जो चंद्र ग्रहण हुआ, मैं यही टीवी पे था, सतीश जाराकोहली करके एक एक्स मिनिस्टर हैं, 5000 आदमियों ने ड्यूरिंग द लूनर इक्लिप्स शमशान में जाकर के खाना खाया, 5000 लोगों का मेरे पास डाटा है, एक को भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो आप जब डाटा की बात करते हैं कौन से डाटा की बात कर रहे हैं? 5000 खबरें ऐसी हैं जो गर्भवती स्त्रियों ने जो भूतपूर्व समय में जिन्होंने ऐसा काटा पीटा किया, देखिए लोगों ने करके दिखा दिया है। मैं जैसे ये गारंटी ले रहे हैं मैं भी गारंटी लेता हूं, जो भी गर्भवती स्त्री कोई भी इंसान इसमें जो भी करना चाहे करे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, डरने का कोई जरूरत नहीं है किसी भी बात से। पास इसका प्रोटेक्शन नहीं है, हमारे पास प्रोटेक्शन है, आप पे वो जवाब ही नहीं है। गोबर और तुलसी इनकी प्रोटेक्शन है, मिसकैरेज का इलाज है गोबर और तुलसी से कर रहे हैं। ये जो नेहा मैंने बोला है कि उस चीज को आप लगा लो विदेश में, अगर गेरू आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं, गेरू और गोबर है। देखिए आप लोगों की बातों से साफ है, या मैं यूं कहूं आपके शास्त्रार्थ से ये साफ है कि बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत भ्रम है और उनके बीच में कई सच भी हैं, तो हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन क्योंकि देखिए राशियों के बारे में लगातार बात की जाती है और ये कहा जाता है कि लोगों की राशियों पर क्या असर पड़ेगा, हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे और फिर उसे विज्ञान की कसौटी पर भी कसने की कोशिश करेंगे। आस्था और विज्ञान के बीच शास्त्रार्थ, क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण जारी है। क्या ये सिर्फ खगोलीय घटना है या इसके पीछे है धर्म का आधार? एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं सूर्य ग्रहण पर हमारी बड़ी कवरेज, आस्था और विज्ञान के बीच शास्त्रार्थ लाइव। धर्माचार्य हमारे साथ हैं, वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, तर्कशास्त्री अपने तर्क दे रहे हैं और ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य आस्था से किस तरह से सूर्य ग्रहण जुड़ा हुआ है ये आपको बता रहे हैं। देखिए सवाल सबके मन में ये भी उठता है कि राशियों का किसी तरह से कोई जुड़ाव है जब सूर्य ग्रहण होता है या किसी भी तरह का ग्रहण पड़ता है, तो हमारे साथ यहाँ पर 5 धर्माचार्य मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि राशियों पर इसका कैसा और किस तरह असर पड़ सकता है तब जबकि ये कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण भारत में आज के दिन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी ये आंशिक सूर्य ग्रहण जारी है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी मौजूद हैं, राशियों पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मैं एक चीज बता देता हूँ पहले कि रामचंद्र जी का जो वंश है, जो रघुवंश है, सूर्य वंश है, वो उनका परिवार कई बार वो राजा लोग देव ये लोग गए और यात्रा भी किए हैं। हनुमत लाल जी भी 22 वर्ष सूर्य के पास रहे और सचिन जी का पहला मिशन फेल हुआ है हमारे अमावस्या ग्रहण के कारण, शनिवार के दिन के कारण। उस वंश को मैं नमन प्रणाम करता हूँ। अब मेष राशि के बारे में बताइए मुझे। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। नमन करते हुए भगवान सूर्य को, प्रथम राशि काल पुरुष की मेष राशि है। मेष राशि में ग्रहण का प्रभाव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, काम धंधा की स्थिति बिल्कुल मध्यम बनी रहेगी। हनुमत लाल जी की उपासना उनके जीवन की फलदायी होगी। मेष राशि के प्रभाव है। वृष राशि, वृष राशि के लिए जो है ये इसकी गति भी स्वास्थ्य क्षेत्र में ठीक नहीं है, धनोपार्जन का कुछ योग बनेगा। शुक्र की स्थिति इसमें कुछ मजबूत स्थिति में है, देव गुरु की कुछ कृपा बनी रहेगी, बल्कि देवी कोचम तंत्रोक्तम देवी सुक्तम रात्रि सुक्तम
या दुर्गा के चतुर्थ अध्याय का कोई मंत्र कोई व्यक्ति शिवालय में मंदिर में जाके उपासना करें, घर में भी करें, तो उसके सब काम बनेंगे और व्यापार क्षेत्र में वृद्धि होने के योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस रावत जी मेरे साथ हैं, आपको भी लगता है कि राशियों पर असर पड़ेगा, तो मिथुन राशि पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, राशियों पर इसका इफेक्ट होता है और जीवन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा जीवन सूर्य की किरणों से संचालित होता है। तो मिथुन पर क्या असर पड़ेगा? मिथुन राशि वाले, आपकी राशि का जो स्वामी बुध है वो स्वयं सूर्य राहु और चंद्रमा की युति के अंदर दूसरे भाव पर है। इसका मतलब आपको इस समय पर कोई धन से संबंधित कोई प्लानिंग नहीं करनी है और परिवार में आपको किसी को हार्ट से संबंधित तकलीफ थोड़ी हो सकती है, ब्लड प्रेशर पर इसका इफेक्ट आएगा और आपको गाड़ी तेज नहीं चलानी क्योंकि अष्टम भाव में मंगल और केतु की युति चल रही है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी अच्छा रहेगा। अब कर्क राशि की अगर मैं बात करता हूं तो ये ग्रहण ही कर्क राशि के ऊपर है, जिसे कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ है, सूर्य राहु के साथ है और बुध भी वहां पर बैठा हुआ है, साथ में काल सर्प योग का प्रभाव है, तो उनको मानसिक तनाव, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा सा विषाद आ सकता है। इसलिए आप यहां पर सफेद कपड़ों का इस्तेमाल करें और ग्रहण के बाद जितने भी NRI जहां पर इनका इफेक्ट होने वाला है, हिंदुस्तान में इसका इफेक्ट नहीं है, उन लोगों को ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए और कपड़े समेत करना चाहिए, बाद में उन कपड़ों को गर्म पानी से धो करके फिर बाद में उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि के लिए आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी। सर मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, देवी का ध्यान करते हुए सभी का कल्याण हो। तो आपने राशि सिंह राशि बोली, सूर्य स्वामी है तो इन पर थोड़ा सा खर्चों को कंट्रोल करना है। वैसे इनको ये इनके बहुत ज़्यादा खिलाफ ही नहीं है, लेकिन कुछ रुका हुआ धन आ सकता है, कुछ फायदा है कुछ थोड़ा नुकसान है, खर्चों को लिमिटेड करें और गुलाबी चीज़ का दान करें, आदित्य हृदय स्रोत या सूर्य स्रोत उसका जो है जाप करें। और कन्या के लिए, कन्या राशि बुध स्वामी है तो बुध स्वामी वालों के लिए थोड़ा सा जो गृहस्थ जीवन में उसमें अस्तव्यस्तता आ सकती है और थोड़ा बहुत संतान चिंता का इसमें योग हो सकता है, तो हरी चीज का यानी कि गौ को हरा चारा दें, पालक इत्यादि दें तो शीघ्र ही कल्याण होगा। ठीक है, चलिए अब जरा तर्कशास्त्रों का हम रुख करते हैं। मामा साहब सुना आपने, आपकी राशि? मेरी राशि कुंभ है, मैं चाहूंगा कि मुझे भी बताएं कि क्या इस पे असर होने वाला है। लाभ है कुंभ राशि को, बिल्कुल लाभ है, बहुत अच्छा धन सडन मनी मिलेगी। वृश्चिक राशि को लाभ है और मीन राशि को बहुत लाभ है। तो मान लीजिए आपकी राशि को लाभ है, आप व्यर्थ में शास्त्रार्थ कर रहे हैं इनके साथ, शायद ऐसा कहना चाहते हैं धर्माचार्य जी। देखिए, मानते हैं जो वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं लाभ है कुंभ को। देखिए, मैं अभी ये जानता हूं कि करीब 3 घंटे में बिना किसी कोई असर नहीं पड़ेगा से असर पड़ने का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे सूर्य ग्रहण खत्म होने जा रहा है उसका इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद सिचुएशन बदल जाती है, तो एज ए साइंटिफिक फैक्ट ना तो मैं ये बात मानता हूँ ना ही समझता हूँ कि ऐसा कोई ऐसा आपने जब पिछली यान भी नहीं है ग्रहण में, उस पर फर्क पड़ गया, ग्रहण पड़ गया यान पर। देखिए, यान के लिए ऑलरेडी डेट, यान के लिए ऑलरेडी 6 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक के विंडो रखी हुई थी, हमें पता है कि विंडोज कब लेनी है, उनका कब यूज करना है, तो हमारा यान जरूर जाएगा। इनफैक्ट आप 4 बजे का प्रोग्राम देख लें तो ऐसा लग रहा था जैसे आज ज्योतिषाचार्य सच बोल रहे हैं कि यान जाएगा ही जाएगा। मैंने तभी कहा था कि तुक्का मत मारिए। इससे पहले प्रोग्राम में साफ शास्त्री जी ने और हमने कह दिया था कि आज कोई यान नहीं जाएगा और उसी समय पाठ कराने से यान चला जाएगा आज। अरे तो तुम्हें क्या पता कि ये अशुभ काल है, राहु काल चल रहा है और राहु काल चल, अगर पाठ कराए तो आप क्योर कर सकते हैं ना, जो प्रॉब्लम आ गई है उसको। 4:30 से 6 बजे तक तो राहु काल है आज, अब आप राहु काल को भी नहीं माने तो मैं क्या करूं? क्यों कह रहे पाठ करने से यान जाएगा? हैं क्या, पाठ करेंगे तो यान जाएगा? नहीं, यान जब ये खराब नेगेटिव किरणें आई हुई है, इसमें उपाय करें, अगर कोई अनुष्ठान बिठाएंगे तो हो सकता है। नेहा जी, जहाँ से यान जाना था वहाँ ना तो कोई ग्रहण था आज और ना ही कोई किरणें थी, वहाँ ग्रहण था ही नहीं, सबसे पहली बात। तो ये ग्रहण सूर्य एक ही है, पूरी पृथ्वी प्रभावित होगी। अभी तो आप बोलते हैं अगर इंडिया में ग्रहण नहीं है तो कुछ नहीं होगा, अब वहाँ पे ग्रहण नहीं है तो आप कह रहे हैं। और एक मिनट, उसी मैं कह रहा हूँ, जब पिता नहीं था पुत्र क्या, सूर्य आपके पिता है, जगत का पिता है, ब्रह्मांड का पिता है, धर्म को रक्षति रखता, धर्म को रक्षा करता है, अगर वही नहीं संसार में है तो फिर आप उस किसको मानेंगे? सूर्य हमारा, हमारे सौर मंडल का अभिभावक है और हमारे सौर मंडल में पृथ्वी पे जीवन का कारक है, तो जो जीवन देता है वो अनिष्ट कैसे दे सकता है? अनिष्ट नहीं दे सकता, उसके जीवन में सुख भी और दुख भी है, आपके भी सब 365 दिन बराबर नहीं है, आप भी कभी अपने मन से पीड़ित है, कभी कर्म से पीड़ित। सूरज पर ग्रहण लगा, सूरज को दुख हुआ? सूरज का ग्रहण कोई भी परेशानी का कारण नहीं है। एक
एक मिनट, ये जो बताया अभी राशियों का, इस पर यकीन क्यों नहीं हो रहा आपको? मैं एक बात बता रहा हूँ, आज यहाँ सब कह रहे हैं कि यान फेल हो गया नासा का, साल भर में नहीं करते करते 20 यान लॉन्च किए जाते हैं, उसमें से कम 5 यान फेल होते ही होते हैं। कह रहे हैं आज तो सूर्य ग्रहण की वजह से हुआ। नहीं, वो कह रहे हो 5 क्यों फेल हुए, फिर वो बताइए। सूर्य ग्रहण था इसलिए ये फेल हो गया, गलत। बाकी 5 क्यों फेल होते हैं साल में, ये बताइए। उसका लगन ही गलत है, जब लगन गलत हो और गलत निकाला जाए। पहले ही अगर आप देखेंगे तो साइंटिस्ट ने पहले ही, जैसे सर ने बोला कि 9 से 19 अगस्त तक की डेट तय कर दी गई थी, और उसमें से उन्होंने पहले ही बोल दिया गया था कि वेदर की वजह से अगर कोई भी खराबी तकनीकी अगर कुछ होगा प्रॉब्लम तो वो आगे कर दिया जाएगा। तुला लगन में भेजा, तुला लगन पर ही ग्रहण चल रहा है इसलिए फेल होना ही था। ये पहले ही बोल दिया गया था कि आज अगर वेदर में प्रॉब्लम हुई तो शायद से हमें लॉन्च अगले दिन करना पड़े, तो ये चीज तो पहले ही बोल दी गई थी। ये पहले से है, ये मौसम के कारक है, ये सूर्य ग्रहण नहीं है, कह रहे हैं वो था। वो जो टाइम जो था वो तुला लगन का टाइम था और तुला राशि पर सारा वर्ड जानता है। पता था आपको, पहले से पता था कि यान नहीं उड़ेगा। एक से दो वाले कोई अनुष्ठान क्यों नहीं कर दिया था आपने? कोई उपाय कर देते ना आप फिर हमारे अनुष्ठान के लिए, हमें इनवाइट करते तो करते, आप कैसे कह, आपके कहने से तो आप तो गुरु हैं, आपको तो दुनिया का भला करना चाहिए। आपके अंदर ईगो क्यों है? गुरु के अंदर ईगो नहीं होती कि इनवाइट करने पे जाएंगे आपको? बिना किसी बात के बुद्धिमान को बोलना नहीं चाहिए, बीच में जब पूछने पर ही अनुष्ठान करें, इनवाइट करने पे ही अनुष्ठान करें, ऐसे बिना बात को, ऐसे कोई भी बुद्ध करना चाहिए ना वॉलंटरीली। ऐसे ब्राह्मण अपने आप करना चाहिए, ब्राह्मण को स्वाभिमान पसंद है, ब्राह्मण बिना उसके नहीं जाएगा, अनुष्ठान होना चाहिए। मैं 1 से 2 के टीवी प्रोग्राम की बात ही कर रहा हूं, तब आदरणीय गुरुजी ने बिल्कुल नहीं कहा था कि आज नहीं जाएगा। इनफैक्ट ज्योति जी ने उन्होंने भी कहा था कि 40 मिनट की देरी के बाद पूरा योग है जाने का। परेशानी है जब ये हो गया तो अब इस फैक्ट को लेकर के वो ऐसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं जैसे कंफर्म था। आप देख लीजिएगा प्रोग्राम, कह रहे हैं यूटर्न हुआ है। जी टोटल यूटर्न है, ये तो टोटल यूटर्न है। कह रहा हूँ ना, शनि मानते ना राहु मानते हैं, आज आपको शनि भी लग गया, राहु भी लग गया और आपके अमावस्या भी लग गया। आज शनि अमावस्या, देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी हुआ वो शुभ हुआ। हमें पता था कि इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, हमें कोई सेटबैक नहीं, शनि राहु का खेल नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई खेल नहीं है। और आप यकीन मानिए, ऐसा है, देखो आप कह रहे थोड़ी देर बाद जाएगा, जब ग्रहण मोक्ष के बाद चला जाएगा तो अच्छी बात है, जाना चाहिए, उनका प्रयोग हो, ग्रहण काल में नहीं जा रहा। दूसरी बात, एक चीज और कहना चाहूंगा, एक बात सुनो, हमारे एक मित्र, सर सुनिए, हमारे वैज्ञानिक मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, राशि वाशि हमारी, ये राशि यहाँ बैठे हैं धरती में, भैया राशि धरती में बैठ के नहीं बनती मेरे वैज्ञानिक भाई, राशि होती आकाश गंगा में, अनेकों आकाश गंगा में लाखों ताराओं का जो पिंड समूह है उसे राशि कहा जाता है। चलिए चलिए मैं राशि पर आ जाती हूँ, तुला राशि के बारे में आप आचार्य जी बताने वाले भी थे और यहाँ तुला राशि की बार बार आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी बात भी कर रहे थे। मैं तो कष्ट है क्योंकि ग्रहण तुला राशि में और कर्क तुला की युद्ध बन रही है, इसलिए जो अभी यान सारी घटनाएं, और इसके अलावा आप देखिए अनेक देशों में जहां पर ठंडे मुल्क थे 46 टेम्परेचर जा रहा है। एक बात नेहा जी और मैं कहना चाहूँगा, अभी जो है ना सूर्य ग्रहण का भारत में उतना प्रभाव नहीं है, 17 अगस्त तक जो चंद्र ग्रहण पड़ा था उसका प्रभाव अभी भी है, और साथ में जिन देशों में अलास्का हो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जहाँ भी ये ग्रहण लग रहा है, उन दोनों को, वहाँ की युति और भारत की युति दोनों को मिला करके विश्व मानस पटल पर पूरे विश्व का इस पर अध्ययन करके सारे दुनिया में, ठीक है। चलिए तो तुला पर आपने कहा संकट है, वृश्चिक राशि के बारे में बताइए। देखिए वृश्चिक में मिला जुला है और लोग इस पर ये करें भगवान शिव की आराधना। मैं कहना चाहूँगा श्रावण का महीना है, भोलेनाथ सारे जगत सारे ब्रह्मांड के नियंता हैं और रक्षाबंधन तक तो हमारा श्रावण चल ही रहा है, सब सर्व ग्रह नक्षत्रों का जन्मदाता है वो, है ना, स्थिति विनाश। इसलिए मैं, हम भी यहाँ से ABP न्यूज से सबके साथ पे वैज्ञानिक भी शुभकामना दें, हम आचार्य लोग भी, हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं अनिष्ट न हो ग्रहों के लिए। नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को मौका दूंगी तर्कशास्त्रियों के बाद, लेकिन उससे पहले राशि हम पूरी कर लें। धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धनु राशि पर प्रभाव ठीक पड़ेगा मैम, इसलिए कि धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति और बृहस्पति इस समय तुला राशि पर चल रहा है। तुला राशि जो होती है सुख संपन्नता ऐश्वर्य और प्रसन्नता की होती है, तो धनु राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। मकर राशि के लिए? मकर राशि का स्वामी होता है शनि,
और मकर राशि वालों के लिए ये कष्टदायक रहेगा, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए एक तो पैरों में चोट लग सकती है, मकर राशि वालों का मानसिक तनाव रहेगा, मकर राशि वालों का दाम्पत्य जीवन क्लेश कारक रहेगा। हाँ, धन जरूर मकर राशि वालों को मिलेगा। ठीक है, मेरे साथ प्रीतिका जी मौजूद हैं। कुंभ राशि पर क्या असर पड़ेगा बता पाएंगे? कुंभ राशि पर इस वक्त धन खर्च के जो उनके योग बनेगा, तो उनको थोड़ा सा धन खर्च से बचना चाहिए, उनको अपने सेहत के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा, साथ साथ उनके शिव जी का पूजा पाठ करना पड़ेगा और उनको शिव जी के जो मंत्र है ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ेगा। साथ ही उनके जो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, उनके शुभ रंग है फिरोजी और उनकी भाग्य प्रतिशत है 60% है। और आखिरकार और आखिरी जो है वो मीन है, मीन मैं फिर तुरंत आपके पास आऊँगी। मीन राशि के लिए मैं बोलना चाहूँगी, कोई भी संपत्ति क्रय या विक्रय ना करें इस समय, क्योंकि इस वक्त जो है मीन राशि के लिए ठीक नहीं चलेगा और नौकरी का नया अवसर उनको हो सकता है मिल जाए, उनका चिंता जो है थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, पर ग्रहण की असर उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा और 75% उनका भाग्य है और धानी है उनका शुभ रंग। और चित्रा आपका आपको अगर अपनी राशि मालूम हो और मकर राशि है, मकर के लिए आप में से किसने कहा था? हाँ, कोई चोट लगने वाली है मुझे मेरे पैर में और भी कुछ बता रहे थे वो। आपने कहा ना चोट लगने वाली है, यहाँ बैठे आचार्य जी बताइए कि कब मुझे और किस समय चोट लगने वाली है वो भी मुझे बताइए प्लीज। मकर राशि जो कर्क राशि में जो है ना ग्रहण पड़ रहा है, मकर राशि से सातवीं जो कर्क राशि से सातवीं राशि है मकर, समय तक के लिए ही वैलिड है या उसके बाद भी होगा, क्या है ये? मतलब आप जो कह रहे हैं सिर्फ ग्रहण तक ही यही चलेगा या उसके बाद भी होगा, ये मुझे मत समझाइए जरा। ये 30 डेज तक ये असर जो है ग्रहण से और 30 से सवा महीने 40 दिन तक रहेगा। 40 दिन में कभी भी चोट लग सकती है? 30 दिनों में तो वैसे एक आध चोट छोटी मोटी लगी जाती है, तो उसमें तो आपने इतनी बड़ी विंडो दे दी, ग्रहण का असर तो सेम डे रहना चाहिए ना, एक महीने तक। देखिए इनका इनकी दिमाग में ये एक बड़ा भारी फोबिया है साइंटिस्टों की, सारा सुपरस्टिशन है, बहुत बड़ा फोबिया है और सच्चाई में ये है कि मनुष्य प्रभावित होता है फोबिया से ग्रसित है क्या साइंटिस्ट? मेरे साथ तो इसी स्टूडियो में मजाक हो गया है, साहब बोल रहे हैं कि कुंभ राशि के लिए बहुत बढ़िया रहेगा और मेरे पास बहुत धन आएगा, मैडम बोल रही हैं कुंभ राशि जो है उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, खर्चा गलत हो जाएगा, तो मेरे साथ तो यहीं बैठे बैठे ही मजाक हो गया है। अब दोनों आपस में शास्त्रार्थ करके बता दें कुंभ के साथ होने वाला क्या है, मैं क्या होने वाला है, वो तो कंफ्यूज हो गए कह रहे हैं। यस, आपको मैं एक एक देखो ऐसा है, सारा फलादेश नहीं था, रावत जी ने डॉक्टर रावत ने कहा आपको धन का आगमन है, हाँ गुरु जी ने, लेकिन स्वास्थ्य देखो फलादेश में तन धन सहज बुद्धि पत्नी परिवार लाभ हानि कही है, इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी आपने मकर की बात कही थी ना, आपकी राशि मकर है, संभावना है, लेकिन आपके अगर कोई अनुकूल ग्रह बैठा होगा किसी अन्य जगह पर तो उसके प्रभाव से आप उससे बचेंगे जिसका क्रोध। इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन इतनी सिंपल शब्दों में समझा दी जाती है और हम लोग जिनको एक एक डाटा एक एक सेकंड की एक्यूरेसी पे बात करनी होती है, वैसी साइंस इस तरह के तर्क को किस तरह से ले एक ही चलिए राशियों पर हमने बात की। सूर्य ये सिर्फ राशियों तक सीमित नहीं है, राशियों तक सीमित नहीं है, हम आगे ये भी बात करेंगे जो भ्रांतियां और जो भ्रम है अब उनमें कितना तर्क कितना सच कितना झूठ ये हम खंगालेंगे। गर्भवती महिलाओं को लेकर के जो हिदायतें दी जाती है ये कहा जाता है नाखून मत काटिए, बाल मत काटिए, घर के मंदिर में पूजा मत करिए, खाना मत खाइए, खाने के साथ तुलसी का पत्ता रखिए, इन सब के क्या मायने, ये किसी का गढ़ा हुआ है या इसमें कुछ वजन भी है? आप देख रहे हैं सूर्य ग्रहण पर आस्था और विज्ञान का शास्त्रार्थ। सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण इस वक्त भी जारी है, शाम 5 बजे के करीब ये खत्म होगा। सूर्य ग्रहण पर क्या करें क्या ना करें इसे लेकर कई बातें कही जाती है, इनमें से एक बात यह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान आप बाल और नाखून ना काटें। आचार्य जी क्यों, बाल और नाखून काटने में क्या दिक्कत है? बाल काटना ये और नाखून काटना ये अपनी देह को ये खराब चीजें हैं, पहली बात तो बड़ी नेगेटिविटी देती हैं, एक साइंटिफिक तरह से भी आप सोचें तो ये चीज़ें नेगेटिविटी देती हैं, और बाल काट करके फेंकें इस काल के अंदर तो फिर उसका अपमान होगा,
मतलब तो इस समय काटना नेगेटिविटी है, लेकिन गंदे नेल्स लेके इन्फेक्शन करना पॉजिटिविटी है आपके हिसाब से? तो ये थोड़ी बाद में काट लें, आप कैसी बातें करती हैं, उस समय ना काटें, वर्जित है। पर इस वर्जित क्यों है, वही सवाल है कि क्यों वर्जित है? वर्जित ये है कि देखिए ये थोड़ा सा इस काल के अंदर ये जो नाखून और बाल काटना ये अशुभ माना जाता है। नहीं तो अशुभ का रीजन तो आपने दिया नहीं ना, क्या लॉजिक, क्या रीजन है जिस वजह से अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये तो सामान्य क्रिया है, सामान्य क्रिया है। ऐसा नहीं है, हमारे जो बाल हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करते हैं जो हमारे ब्रह्मरंध्र के साथ अटैच्ड होते हैं, और जो नाखून होते हैं ये हमारी ब्रेन के साथ लिंक होते हैं। अगर इन दोनों को काटेंगे तो ग्रहण के टाइम पे हमारा जो मनोबल है वो कमजोर रहता है, इनके काटने से और कम होगा, मनोबल कम होता है। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे कहा गया मेरे घर, जब मैं घर पे रहता हूँ, कि आप मंगल को, बुध, शनिवार को और कई जगह गुरुवार को भी नाखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना। अच्छा, अब मुझे बताइए उसका रीजन अलग, इसका रीजन अलग, उसका भी रीजन वही है। नहीं नहीं, आप कह रहे हो, मैं साइंटिस्ट में बता देता हूँ, बृहस्पति जो होता है वो ज्ञान का कारक होता है, और हमारा ज्ञान बालों के साथ मेमोरी को लाने में सक्षम होता है। क्या रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड की किरणों से, क्या रिलेशन है बताइए मुझे, इसलिए हम वीरवार को बाल काटने के लिए। देखिए मैं एक्चुअली समझ नहीं पाता हूँ ये साइंस कहाँ से आती है, बालों का मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ देना। कमाल की बात यह है कि बालों का मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना कुछ नहीं है, हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सब जानते हैं। गुरुजी ऊपर क्या इफेक्ट आता है, आप काट के देख लो बाल अभी, आप मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि बालों में मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से, हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड को लाने के लिए। जिनके बाल लंबे हैं, रावत साहब यहाँ से सवाल आ रहा है, तो जिनके बाल लंबे हैं, आपका कहने का मतलब है कि उनके और उनकी बुद्धिजीवी होते हैं, तो आप कहना चाहते हैं कितनी औरतें, मतलब जिन कितने कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं? मैं ये कहना चाहूंगा, एक मिनट सुनिए मेरी बात, के पास माइक नहीं है, उसकी आवाज नहीं जा रही है। बुद्धा ने बाल नहीं रखे, क्या हम बुद्धा को बुद्धिजीवी नहीं बोलेंगे? क्या उनके पास ज्ञान नहीं था? क्या उनके पास पावर नहीं थी? मैं अभी बाल कटवा लूं तो मेरी मेमोरी खत्म हो जाएगी क्या? अभी मेरे पास मेमोरी तो रहेगी ना, मेरे मेमोरी बॉक्स में है, बुद्धा के पहले बाल थे, बाद में कटवाए उन्होंने, और फिर भी आप नहीं, तो अगर जिनके बाल ही नहीं है उसके अंदर उन्हें बुद्धि नहीं है, इस लॉजिक के हिसाब से आप एक बात बताइए, तो सूर्य का संबंध सर से है, तो वो तो बोल रहे हैं कि बाल जिनके लंबे नहीं है उनके अंदर दिमाग नहीं होगा उनका। आप बालों को एंटीना की तरह बता रहे हैं, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग एंटीना पे आ गए, मेरे को लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मेरे को एक क्लास लेनी पड़ेगी कि क्या कराया जाता है। अच्छा चलिए, देखिए एक मिनट, देखिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा मेरी मजबूरी है, लेकिन आगे हमारे पास और वक्त होगा। तो ये एक ही बात नहीं है जिस पर हम यहाँ पर शास्त्रार्थ कर रहे हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए जो खास तौर पर कई हिदायतें दी जाती हैं, और वो एक ऐसा पीरियड होता है, ऐसा मौका होता है जब काफी चीजों में ध्यान रखा जाता है, क्या सूर्य ग्रहण से आप गर्भवती महिला की सेहत को जोड़ सकते हैं, और अगर जोड़ते हैं तो क्यों? सूर्य ग्रहण पर आस्था और विज्ञान का शास्त्रार्थ आप देख रहे हैं लगातार, आपके मन में भी कई सवाल होंगे। सूर्य ग्रहण खत्म होने में तकरीबन 3 मिनट का वक्त बाकी है, 5 बजे कहा जा रहा है आंशिक सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा, लेकिन देखिए सवाल तो कई सारे हैं, चंद्र ग्रहण के वक्त आए, अब सूर्य ग्रहण के वक्त भी आ रहे हैं। एक सवाल गर्भवती महिलाओं की सेहत को लेकर है, और ये कहा जाता है कि इस दौरान चाकू का इस्तेमाल कुछ काटने के लिए ना करें गर्भवती महिलाएं, इसके पीछे क्या तर्क है आचार्य जी? न्याजी, मैं बार बार कहा करता हूँ गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां रखनी चाहिए। आप देखिए, मैं एक लौकिक उदाहरण देता हूं। पहले भारत सरकार 18 दिन की छुट्टी देती थी, उसके बाद 3 महीने की, अब केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने 3 साल की छुट्टी कर दी है। जब ग्रहण के समय उनको इन कामों से अगर थोड़ी देर रेस्ट मिल जाए, तो मेरे वैज्ञानिक भाइयों को इसमें आपत्ति क्या है, इनसे पूछा इसका ग्रहण से क्या लेना देना है? ग्रहण से क्या संबंध है? देखिए उसका प्रभाव, छुट्टी ग्रहण की वजह से दिए उनको भारत सरकार ने, या फिर उनकी अपनी हेल्थ की वजह से दिए? भारत सरकार ने ग्रहणों से नहीं दी है, और ग्रहों के प्रभाव से भारत आजाद भी हुआ है, इसलिए आज भारत सरकार भी है, भारत को आजाद। गर्भवती स्त्रियों का ग्रहण से सीधा सीधा संबंध है, जो अंदर जो शिशु पल रहा है, जो गर्भ के अंदर जो शिशु है, अगर वो काटेंगी कोई भी चीज, कपड़ा काटती हैं या कोई चाकू से, कोई धारदार चीज से काटती हैं, तो शिशु के अंग पर फर्क पड़ेगा।
आपस में लिंक क्या है, लॉजिक और रीजन क्या है, आप बताइए बताइए। आप इसको चाकू से तो हाथ से काट रही है ना, अंदर उसमें कैसे प्रभाव हो सकता है? और उसका कनेक्शन आप बोल रहे सूर्य ग्रहण के साथ है। बताता हूँ, ये खूब खूब सारे सिद्ध हो गया है, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि काटने से जो गर्भ में जो पल रहा है शिशु वो लक्षण कटिंग का जाता है और अंदर अंदर उसके अंग। कौन सा वैज्ञानिक आप मानते हैं? तीन वैज्ञानिक आप में से कोई मानता है? मानते हैं आप काटने से असर पड़ता है शिशु पर? वो कह रहे हैं कि अगर आप कुछ काटते हैं। ये सैकड़ों साल पुरानी बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था, बिजली नहीं था, अंधेरा था, तो उस समय जैसा इस पर पहले भी बात हुई है, गर्भवती महिला बाहर निकलेगी तो गिर जाएगी, कैंची हाथ में होगा और ग्रहण पड़ गया तो अंधेरा हो जाएगा और उस दौरान हाथ कट सकता है, नाखून काटने से उंगली कट सकती है, ये बस इतनी ही बात है। इस वो काटने का जो भाव है, जो स्त्री जो क्योंकि क्योंकि अभिमन्यु का एक सामने उदाहरण है कि वो चक्र भेदने में कामयाब रहा, उसने अर्जुन से सीख लिया, वो भाव अंदर चला गया कटिंग का। तो देखिए बहुत सारे फैक्ट मिला करके एक नया तरीका से कोई नई बात नहीं कही जा सकती। हम ये मानते हैं कि जो माता सुन रही है वो बच्चे तक पहुंचेगा, जो माता खाएगी वो पहुंचेगा, लेकिन हम कह रहे हैं ग्रहण माताओं के लिए अच्छा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं रशिया में था 2008 में, एक गर्भवती, एक रशियन गर्भवती ग्रहण को, पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए फील्ड में आई। मैंने उनसे पूछा कि भारत में तो बहुत भ्रांतियां हैं कि आपको बाहर नहीं आना चाहिए, आपको डर नहीं लगता? उस गर्भवती स्त्री ने कहा, जिस चीज को देख के मेरा मन इतना प्रसन्न हो रहा है, क्या मेरा बच्चा प्रसन्न नहीं होगा? अगर आप मुझे काटने की बात, उसने कुछ काटते अगर कुछ कटिंग की तो उसका प्रभाव अंदर पेट में जाएगा। तो हर वक्त अपने वो तो हर वक्त कभी ना कभी तो खाना बना ही रही है, हर वक्त कुछ ना कुछ। अरे तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इस अंधेरे कमरे में इस वक्त बैठी हूँ तो कि सूरज की किरणें तो वैसे ही मेरे पास नहीं पहुँच रही है फिलहाल, तो आप उसको ग्रहण के टाइम से कैसे रिलेट कर रहे हैं, आप मुझे ये समझाइए प्लीज। आप मुझे ये एक मिनट, अंग शास्त्री भी आपका इस पर क्या मानना है? मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब माँ के अंदर बच्चा पल रहा है, माँ की नाभि के साथ बच्चा जुड़ा हुआ होता है, और माँ की नाभि के साथ जब जुड़ा हुआ होता है तो बच्चे के ऊपर इफेक्ट कैसे नहीं होगा? आप कैसे बोल सकते हैं आप सिर्फ ग्रहण से क्यों रिलेट कर रहे हैं? वो तो नॉर्मल ही बात है कि बच्चे के ऊपर यदि माँ प्रसन्न है तो बच्चा भी प्रसन्न होगा, ये तो हम मानते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन जब पुरानी जब टाइम थे, जब साइंटिस्ट कहाँ था, तब राजा मुनि ऋषि सब लोग, राजा भी घर से निकलने से पहले, युद्ध लड़ने से पहले, वो अपने जो अपने सभा में ज्योतिषी थे नक्ष, उन लोगों से पूछ लेते थे कि आज हमें जाना चाहिए कि नहीं, कौन से दिशा में जाना चाहिए। तो फिर आप लोग तो अभी अभी आए हैं, वो कह रही हैं आप तो अभी अभी आए हैं, प्रीतिका जी कह रही है। देखिए ये सारा आपस में इन चीजों का कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ पता नहीं कैंची के काटने से और इन सब चीजों से गर्भवती महिला को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन आप इतना हमको एक मिनट सुनिए, प्रीतिका जी ने कुछ कहा उसका जवाब हिमांजलि दे रही है, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगी। देखिए ऐसे नहीं, जिसके पास माइक नहीं है वो नहीं बोल सकते। आप इतना स्ट्रेस वैसे दे दोगे गर्भवती महिला को कि वो टेंशन में बेचारी को वैसे उसके भावों का प्रभाव बच्चे पे पड़ जाए। सतर्क जितना भी ज्योतिष है, अंक शास्त्री है, जो भी है, सतर्क कर रही है इंडिया के लोगों को या पूरे वर्ल्ड के लोगों को सतर्क कर रही है कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, या जो भी है, सतर्क कर रही है, किसी को डराने के उद्देश्य बिल्कुल। ऐसे ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आप चाकू पकड़ेंगे तो आपको ये हो जाएगा, आप कुछ काटेंगे तो आपको ये हो जाएगा, तो इससे क्यों ना कोई डंसान है? वहम नाभि के साथ जुड़े हुए हैं मैडम, नाभि के साथ जुड़े हुए हैं, माँ की नाभि के साथ जब बच्चा जुड़े हुए होते हैं, अगर माँ के ऊपर अगर ग्रहण की इफेक्ट होता है जो वो तो मान रही है ना हिमांजलि जी, प्रीतिका जी मान रही है कि माँ की नाभि के साथ बच्चा जुड़ा होता है, माँ पर अगर सूर्य ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट होगा तो बच्चे पर भी होगा। माँ पे सूर्य ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट जब होगा ही नहीं, अगर उसको आप इतना स्ट्रेस दे दोगे तो उस चीज का इफेक्ट होगा। और दूसरी बात, अभी आप ये कुछ बोल रही है, अभी सुरेंद्र जी बोल रहे हैं, सुरेंद्र जी बोल रहे हैं कि गोबर, ऐसा है बेटा, बहुत अच्छा बोल रहे हो, अच्छी बात है। वैज्ञानिक बोले हैं, किसी आधार पर बोले हैं, वो अपनी शोध कर रहे हैं, ज्योतिषियों के पास प्राचीन आधार है, लेकिन तर्क शास्त्री केवल खामखा के बात करके आप बताइए क्या अथॉरिटी, आप कौन सी अथॉरिटी कोट कर रहे हैं जब आप बोल रहे हैं कि कैंची काटने से दिक्कत होगी? आप अपनी अथॉरिटी कोट करिए, उस बात का फिर मैं जवाब दूंगी। देखो मैं आप मेरा एक प्रश्न है वैज्ञानिक भाइयों से, मुझे बता रहा हूँ, सुनिए मेरे ऊपर
सवाल उठाए हैं, आप अपनी अथॉरिटी कोट कीजिए जहाँ पे ये लिखा है कि कैंची के काटने से गर्भवती महिला पे प्रभाव पड़ता है। मैं कुछ भी हूँ, मेरे प्रश्न पूछा है आप उसका जवाब। ये प्रश्न है वो कह रही है ना, रीजन बताइए। अच्छा आप बताना चाहते हैं शायद, ठीक है वो बता रहे हैं। नेहा जी, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य और चंद्रमा के कारण से ग्रहण पड़ता है। ठीक, अगर आप सूर्य ग्रहण में काटेंगे तो आप बच्चे की आत्मा पर भी फर्क पड़ेगा, माँ की आत्मा पर फर्क पड़ेगा और मन आत्मा आत्मा कट रही है। परमात्मा की बात आप कर रहे हैं, इन्होंने अभी मेरे से पूछा कि मैं किस बेसिस पे ये बातें कह रही हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी बात तो सुन ली, लेकिन ये आपका विचार है या फिर वेदों में आत्मा सुपर पावर है कि नहीं? आत्मा कौन नहीं, कहाँ कौन सी सुपर पावर है आत्मा, हमें तो नहीं है इस चीज पे बिल्कुल भी भरोसा। आपको भरोसा है तो आप अथॉरिटी कोट कर दीजिए, आप कहाँ से ये बात कह रहे हैं, आप कौन सी किताबों में से पढ़ के मुझे बोल रहे हैं? मेरा एक प्रश्न है वैज्ञानिक भाइयों से, मैंने कई माता बहनों से अध्ययन भी किया, हम खाली नहीं बैठते हैं, अनेक तीर्थों में प्रश्न ये है, जिन माताओं ने कही का बेटा हम लोग ने जिदबाजी कर दी, बच्चे का हाथ छोटा रह गया, उसको ग्रहणा के बोलते हैं, तो आप बताइए उन बच्चों पर आपने अध्ययन किया? फॉर्मिटी का रीजन ग्रहण होता है, और कोई हेल्थ रीजन या और कोई रीजन, कोई साइंटिफिक या कोई मेडिकल रीजन नहीं होगा। जो अगर इसके अंदर अगर माता को आप पौष्टिक खाना नहीं आहार नहीं देंगे, अगर आप माता को पौष्टिक आहार नहीं देंगे, आप माता का सही तरीके से ध्यान नहीं रखेंगे, तो कुछ ना तरीके की प्रॉब्लम आएंगी। और नहीं नहीं, पौष्टिक आहार है, पूरा शरीर तंदुरुस्त है उसका, एक हाथ छोटा हो गया उसका, बाकी तंदुरुस्त है वो सूर्य ग्रहण की वजह से। सुनो, इनके पास कोई दलील नहीं है, गौतम जी बहुत गलत बोल तो यही कह रहे हैं ना कि आपके पास क्या दलील है, डर कह करके। अरे नाभि से आत्मा का कारक है, और तो आत्मा का सूर्य से मतलब है और मन का। हमारा क्वेश्चन ये है कि उसका ग्रहण से क्या लेना देना है, प्रॉब्लम ये। एक मिनट, मैं एक लॉजिक और देना चाहूंगा। अगर राजा महाराजा अपनी वो दिखा करके कुंडली निकलते थे लड़ाई के लिए, तो 12 साल तक ये देश बाहर से आने वाले जिन्होंने कोई ज्योतिष नहीं पढ़ रखी उनसे क्यों गुलाम रहा? अगर उनको पता ही था कि हम इसमें जीतेंगे तो गुलामी किस बात की हमने? आप दो ज्योतिष बैठ के डिसाइड कर लेते किसके तारे स्ट्रांग हैं लड़ाई। ये हमारी आपस की फूट थी, हम लोग आपस में जातिवाद में पड़े रहे। हम एग्री कर रहे हैं आपकी बात से कि एक्चुअली ज्योतिष में सितारे क्या बोल रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं था, सब मिलके रहें, विज्ञान समझें, चीजें समझें, तो हम लोग ब्रिटिश पीपल केम टू मी फॉर पाम रीडिंग सो मेनी टाइम इन साउथ अफ्रीका इन केप टाउन इन डरबन। अब वो अंग्रेज भी मानता है ज्योतिष को, क्या बात कर रहे हैं? आपने उनके पर अनुष्ठान क्यों नहीं कर दिया? आप यूके को हमारी कॉलोनी बना दो ना, फिर अनुष्ठान करके आप क्यों पास आ रहे हैं? डर 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 के फोबिया लगा रही है आप, सच्ची बात ही बता दी। अरे लक्षण चला आप क्वेश्चन अलग है जवाब अलग दे रहे, अपनी बात से पलटने के लिए। अंग्रेजों ने आपको हाथ दिखाया है तो आप उनको हमारी कॉलोनी बना दो ना। काटेंगी तो उसका लक्षण नाभि से जुड़ा, उसका लक्षण अंदर जाएगा, डर नहीं दे रहे। एक सवाल ग्रहण के टाइम पे रावत जी ने कहा किरणों के कारण फर्क पड़ता है, राइट? किरणों के कारण। अब मुझे बताइए अभी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है? अब तो सूर्य ग्रहण खत्म हो गया, आंशिक सूर्य ग्रहण हुआ इस बार आंशिक सूर्य ग्रहण में आपकी किरणें आती है पृथ्वी पे, तो मुझे बताइए गर्भवती महिला पे क्या असर पड़ेगा, जो कि इंडिया में है नहीं, जहां पे किरणें शैडो ही नहीं पड़ रही, जहां पे अभी किरणें पहुंच रही है, तो आपकी जब किरणों की बात ही फेल हो गई तो आप किस बिना पे ये कहोगे? है कि इंडिया पर इसका इफेक्ट नहीं है, जहां जहां पर है वहां इफेक्ट रहेगा। और रही कैंची वाली बात, उसका एक वैज्ञानिक आधार मैं आपको बता देता हूं कि क्यों हमारे ऋषियों ने इसको मना किया था। आपको यह पता है कि सूर्य की किरणों में सभी प्रकार की किरणें होती हैं, अल्ट्रा बीटा गामा किरणें, एक्सरे ऑक्सीजन सब होता है इसके अंदर। जब ग्रहण आता है तो उस समय ग्रेविटी और वातावरण डिस्टर्ब होता है, रेजें भी बहुत बुरी तरीके से फ्लैक्चुएट करती हैं। अगर मेरे हाथ में अगर कोई लोहे की चीज है तो वो भी उनसे प्रभावित होती है और उसका प्रिंट आने के खतरा रहते हैं। जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड आते हैं, एक्सरे कराते हैं तो घड़ी हटवा देते हैं, या कोई भी चीजें आपके लोहे की चीजें सोने की चीजें नहीं होनी चाहिए, आपका चश्मा भी नहीं होना चाहिए, वही एक वैज्ञानिक आधार है। पृथ्वी पे सूरज के कारण जो लाइट सोर्स आ रहा है, लाइट आ रही है, उसके वजह से अपने पास पृथ्वी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड के टाइम पे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड नहीं, हमारे को ग्रेविटेशन देखिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी फोर्स दो अलग अलग चीजें हैं। मैं एक बात और बता दूं आपको,
आपको और बता दूं, एक एक करके डिवोर्स होता है, उसमें हर चीज का, एक जब एक पिंड का ग्रेविटी है, हर एक का ग्रेविटी है, मेरा भी एक शेर का भी है, वो सबका डिस्टर्ब होता है, इसलिए माँ के अंदर जो गर्भ का बच्चा पल रहा होता है उसका भी डिस्टर्ब होता है। देखिए मैं एक बात और बता दूं कि अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, गामा होती हैं, बीटा नाम की कोई किरण नहीं आती। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा अब तो ग्रहण खत्म हो गया, कोई श्लोक है इसके बाद, ग्रहण खत्म हुआ है, कोई श्लोक है आपके लिए, आपके पास? देखिए विष्णु सहस्त्र नाम राम राम रक्षा स्त्रोत्र में गर्भ के रक्षा के लिए कौशिक ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ इत्यादि रामचंद्र जी का जो वंश है, खुद राम के वंश में आकर के दशरथ जी के लोग प्रार्थना किए हैं, अगर्भस्थ शिशु के पालन किए हैं, और इसमें हम कितने मंत्र, हजारों मंत्र की संख्या है, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुषो प्राणस मुखार्थग्नि रजायत। क्या मतलब हुआ इसका? जो शब्द है माँ, जो शब्द है करुणामयी शब्द है, माँ के जो शब्द है वो गर्भस्थ शिशु के साथ हर कण जुड़ा हुआ है, हल पल जुड़ा हुआ है, माँ जब तक ठीक है तब तक वो ठीक है, माँ की स्थिति को आप बार बार जो कह रहे हैं, आप भी जब माँ के गर्भ में थे तो अपने घर वालों से उस चीज को तर्क लीजिए दीजिए कि राम रक्षा स्त्रोत पढ़ती थी, भागवत पढ़ती थी, मानस के पाठ पढ़ती थी और धर्म के अनुकूल रहती थी, उसके बाद आपका जन्म हुआ, आज आप पृथ्वी को और सूर्य को दोनों को देख रहे हैं। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आपको, आप मतलब कुदरत ने इतनी प्यारी चीज बनाई है, क्या बनाया कि इस जो आप आसमान में देख पा रहे हो, जब चंद्र ग्रहण हो रहा है या सूर्य ग्रहण हो रहा है, वो बहुत रेयर होता है, आपको पता है, बहुत रेयर होता है, सबको पता है, तो उस चीज को देख के उसका लुप्त क्यों ना उठाया जाए, उसका लुप्त क्यों ना उठाया जाए। कारक कोई चीज है, आप बताते हो कि जो अल्ट्रा वायलेट, एक मिनट सुन लो यार, अभी अभी सर को आप, सर ने बोला रशिया में एक गर्भवती महिला ग्राउंड पे स्पेशली आई, क्यों आई, ताकि वो ब्रह्मांड के इस सुंदर से, मैं देख चुका हूँ, हमने बहुत बार देखा है, मैंने भी, मेरी पत्नी ने भी और मेरे छोटे भाई की पत्नी ने भी, हम सब ने ग्रहण को खूब देखा है, और मैं यहाँ पे इस मंच पे ये गारंटी करता हूँ कि कोई भी गर्भवती महिला चाहे कुछ भी खाए, चाहे कुछ भी करे, उसको इस ग्रहण से या बाहर जाके देखे, कुछ देखा है आपने, उसके बाद के परिणामों को देखा है, आपने बोल दिया परिणाम को देखने की जरूरत है, हम लोग, शास्त्री जी बहुत बढ़िया परिणाम है, बहुत ही बढ़िया परिणाम, वो कह रहे हैं बढ़िया परिणाम है, एक मिनट मैं एक बात और बताऊंगा, सुनिए कि इतना कि इनको छोटी सी एक छोटा सा सोल्यूशन है, तुलसा जी रख करके गर्भवती महिला, ये कुशा मेरे हाथ में, ये सिर्फ कुशा, ये भगवान विष्णु का रूप है, ये कुशा को अपने पास रख के सो जाएं, वो विश्राम कर लें और रेस्ट कर लें, कुछ खाए ना पिए, इन्हें क्या प्रॉब्लम है वैज्ञानिक, क्या प्रॉब्लम है कुशा? हमें सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको ग्रहण से ना जोड़ें, इसको अगर आप एक जनरल मुझे राय दें कि आप अपनी पत्नी को रेस्ट कराएं, मैं बहुत खुश हूं। आप मुझे ये बताएं कि ग्रहण के समय मैं पत्नी को बाहर ना लेके जाऊं, अगर वो गर्भवती है तो मैं वो नहीं मान सकता, क्योंकि प्रभावी तो नहीं है पंडित जी, प्रभावित तो सारा प्रभाव तो शिशु पर ग्रहण काल में पड़ेगा, तो ग्रहण काल के अंदर ही ये कुछ लेके जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको पता है कि अगर छाया में रहेंगी तो जो ऊपर एक्टिविटीज हो रही है उसका प्रभाव कम पड़ेगा, अगर ये धूप में जाएंगे तो वैसे इनकी हालत खराब हो जाएगी। आप क्या बात करते हो? मैं घर में रखा, अंदर रखा खाना कैसे आप खराब बना बता देते हो? आप कैसे बोलते कि खाना अंदर में, खाने में तुलसा जी डाल के? अरे एक मिनट, देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं, बात यह है कि आप लोग शास्त्रार्थ करके अपना अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी ग्रहण अब खत्म हो गया है, इसका तो कोई अंत नहीं है, आप लोग अपनी बात पर टिके, आप अपनी बात पर, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि दर्शक समझ रहे होंगे जिसकी बात में जितना वजन उसको ग्रहण करने की कोशिश होगी, लेकिन अब सवाल ये है कि ग्रहण खत्म हो गया और ये कहा जाता है कि ग्रहण के बाद दान दे, तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी आपसे आचार्य जी कि ग्रहण के बाद दान क्यों दे, इसकी क्या वजह, तर्क होगा ना इसके पीछे कुछ? दान है, देखिए भूमि से जो भी हमारी सूर्य के और चंद्रमा के भाव से जो भी हमारी निकलता औषधि जाए वनस्पति, स्नान की महिमा, स्नान जरूर करें, स्नान के उपरांत में एक चीज बता दें, दान मन दान की महिमा, अन्न में प्राण का वास है, हर व्यक्ति बिना अन्न खा रह जाएंगे, सचिन जी कह रहे हैं कि हम अपने बात पे हम मानते हैं, सचिन जी एक बात पे नहीं मानते, हर बात को इधर से उधर करके लाएंगे और कहेंगे उस चीज के लिए, एक चीज बता दें, अन्न में प्राण है, अन्न में जीव है, अन्न एक अन्न कोष से बना हुआ है, जो हमारे जीवन में कोई ग्रह का प्रभाव लगा है तो स्नान करें, स्नान के बाद ग्रहों को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, तीर्थ को प्रणाम करें और अन्न का दान जरूर करें, स्नान करें, अन्न का दान करें, गुरु को प्रणाम करें। जी मैं सबसे कहूंगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्नान करें, बस
सारे के सारे हिंदुस्तानी दक्षिणा देनी बंद कर दें, तो मुझे लगता है कि कुछ 10 सालों में 15 सालों में हमें ये देखने को मिल जाएगा कि 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 आप लॉजिकल बात करेंगे। सुनिए मेरी बात, मैं सुनो, आप बैठ के भी बात कर सकते हैं आचार्य जी, बैठ के भी बात कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बात है। आप सुनिए भाई साहब, सुनिए, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां से तनख्वाह लेना बंद कर दो। क्या वो व्यक्ति इतना अध्ययन कर रहा है बेचारा भूखा मरेगा क्या? ये वो टाइम बाउंड है। हम जहाँ से तनख्वाह लेते हैं वहां से डरा करके किसी आदमी को ये बोल के कि ये गला हो जाएगा वो गलत हो जाएगा नहीं लेते। हम जो भी करते हैं हम डरा के नहीं लेते हैं वो तनख्वाह। ये ज्योतिषी भी डराते नहीं, ज्योतिषी सावधान करते। आप कुंभ राशि हैं, आपने अभी रुके रुके आपने अभी कहा था मेरे घर में सब खाते पीते, मुझे लगता है आप कुंभ राशि हैं, उनको पता है यार उनके सचिन के मान लो नहीं तो सारा सिर घर में उठा देंगे। ये है आवाज रे, कुंभ राशि वाले बड़े जिद्दी होते हैं। और इस पर श्लोक है, ग्रहण स्पर्श काले स्नानम सुराचम वद्य होमा सुराचनम श्राद्धम च मुच्यते दा मुक्ते स्नानिनम क्रमा। स्नान करें, दान करें, लिक्विड धन केश भी दें। जी आप बड़े जिद्दी हैं, इन्होंने आप ही पूरी कुंडली खोल के रख दिया। देखिए मैं बिल्कुल भी जिद्दी नहीं हूँ। सिर्फ एक बात है कि मैं सब पढ़ चुका हूँ और समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। मैं हर बात को साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसकी वजह से शायद लॉजिकल हूँ और लॉजिक में शायद स्ट्रांग हूँ, इस वजह से ये लग रहा है। मैं जिद्दी बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मुझे कोई नई चीज़ मिले दान में, देखिए जो जिस राशि का स्वामी, जो ग्रहों के नौ ग्रह हैं, साइंटिस्ट साहब सुन लीजिए, हमारे नौ ग्रह हैं, उन नौ ग्रहों के कलर होते हैं। जैसे जिसका जैसे मेष राशि मंगल स्वामी उसका लाल रंग है, वृष स्वामी तो उसका वाइट रंग है, तो और इस तरह वृश्चिक उसका मंगल स्वामी तो सूर्य, तो उसी रंग का दान दें। बुध है देंगे आप दान फिर उस एक। मुझे एक बात बताइए कि आप ग्रहण को दान से कैसे जोड़ रहे हैं? लेकिन नहीं 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 नहीं, आप मेरी पहले बात सुनिए कि मतलब दान, आप वैसे दान, आप कितने लोग दान देते हैं? आप उनको डराते हैं कि यदि आप दान नहीं देंगे तो आपके साथ ये घटना घटित हो सकती है, तो आप ये अल्टीमेटली उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि ये डर। एक मिनट शास्त्री साहब, तो ये डर, एक मिनट, तो वो ये सवाल उनका ये है कि आप डरा करके दान, अगर आप कह रहे भाई ग्रहण खत्म हुआ अब आपकी राशि का जो रंग है उस हिसाब से आप दान दे, तो आप उनके ऊपर एक तरह से एक जोर डाल रहे हैं ना कि भाई दो दान, अपनी इच्छा से जो दान जब देना चाहे तब दे, सूर्य ग्रहण के बाद ही दे और कुछ तो दान दे। क्यों मैम, ग्रहण का जो दान होता है वो ब्राह्मण को नहीं दिया जाता, ग्रहण का दान जो है ना गरीबों को दिया जाता है, सेवकों को दिया जाता है। और जो हमारे पांच तत्व हैं, पांच तत्वों से हमारा शरीर चलता है, तो जो ग्रह कमजोर होता है उसका दान दिला करके उस तत्व को मजबूत किया जाता है, ताकि वो जो ग्रह कैसे कमजोर हो जाते हैं वो भी स्पेशली ग्रहण वाले दिन। ग्रह तो अपनी जगह पर है। ये ग्रह, एक मिनट, ये ग्रहण और दान का क्या संबंध है? आप सूर्य ग्रहण के बाद दान क्यों करें? बता देता हूँ, दान का दुआ के साथ संबंध होता है। जब आप किसी को दान देते हैं तो उसकी दुआ आपको मिलती है, और जब दुआ तो कभी भी कर सकते हैं, ग्रहण के बाद ही करना चाहिए, क्यों जरूरी है? पर वातावरण बहुत ज्यादा दूषित होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। गरीब आदमी को अगर आप दान देते हैं तो वो खुश हो जाता है, और जो दान देता है उसको दुआ मिलती है, दोनों प्रसन्न होते हैं। वातावरण दूषित हो जाता है इसीलिए दान। विज्ञान जो बताता है वो ग्रहण में कोई ऐसा संदूषण या प्रदूषण नहीं होता है। विज्ञान की भाषा में ग्रहण एक शैडो का है केवल मैकेनिज्म। और शनि ग्रह हमारे पृथ्वी से 1.2 अरब दूर है, वो हमारे शरीर पे, हमारी राशियों पे कैसे असर डाल सकता है? इसका है, ग्रहण का प्रभाव है और है, बस आप इसको रिसर्च करिए। अगली बात तो मैंने, आप रावत जी आपने उस टाइम भी यही बात बोली, मैग्नेटिक फील्ड की बात करी, ग्रेविटी की बात करी, अल्ट्रावायलेट की बात करी, बीटा रेस की बात करी। मैं ये कहना चाहता हूँ आप एक चार पांच शब्दों को उसका एक वो जुमला बना के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और जब पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत से अगर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आएंगी तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का क्या इफेक्ट आएगा? मुझे बताइए, ओजोन नहीं ओजोन से अल्ट्रावायलेट का क्या रिलेशन? वो नहीं मैग्नेटिक फील्ड का, मैं कहता हूँ नहीं ग्रेविटी। रावत जी अल्ट्रावायलेट, एक मिनट, एक एक करके अल्ट्रावायलेट रेस का रावत जी ग्रेविटी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन चंद्रमा और मैं तो बचपन से यही स्टडी कर रहा हूँ रावत जी, सिर्फ चंद्रमा और पृथ्वी के साथ आने पे आप दोबारा पढ़ के देखिए, आप जो वेबसाइट पे ट्विटर
रावत जी, अब स्टडी रिसर्च की बात करते हैं, मैं पूछ रही हूँ कहाँ से रिसर्च करे रावत जी, आपसे प्रश्न है। इधर इधर चर्चा इधर। हाँ रावत जी से मैं पूछना चाहूंगी कि हर बार वो बोलते हैं कि आप स्टडी करके आओ, पढ़ के आओ, गूगल करके आओ, उनसे पूछे हम कहाँ से रिसर्च करें, किस सोर्स को हम पढ़े जिससे हम इनके जितना ज्ञान समझ सके। नासा को लिखे कि क्या क्या ओजोन परत के ऊपर जब किरणें कम आती हैं तो जो पृथ्वी का वातावरण है उसका ग्रेविटी फोर्स पे क्या इफेक्ट आता है, पूछे जा करके। दान का महत्व सुनो। अरे सर बहुत सारे मुद्दे है, एक मिनट, बहुत सारे मुद्दे हैं। कोई कहता है दान दें, कोई कह रहा है वातावरण प्रदूषित हो जाता है, अब ग्रहण खत्म हो गया है, तो मुझे ये बताइए कि ग्रहण खत्म होने के बाद दान का क्या मतलब है। हाँ दान, दान का महत्व तो क्या है, आप सब लोगों को एक मिनट में सुनना चाहिए, क्योंकि स्नान का महत्व तो ये है जब सूर्य को ढक जाते हैं, जो छाया में ढक लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो इफेक्ट जो हमारे ऊपर हमें पड़ते हैं नेगेटिव इफेक्ट, इसके लिए स्नान करना चाहिए। दान इसलिए होना चाहिए कि दान करने से जो एक गरीब एक इफेक्ट वॉश हो जाएंगे सूर्य ग्रहण की वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, जैसे अभी तक जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के ऊपर बात चल रही थी इतने देर से, वही बात मैं कह रही हूँ जो नेगेटिव क्या है हमारे ऊपर, मैं वही जानना चाहती हूँ आपकी बात से कि किस तरह का नेगेटिव इफेक्ट मेरी बॉडी पर पड़ रहा है वातावरण में नेगेटिव वातावरण में। मैं बता रही, मैं एक सेकंड मैं सुन लीजिए पहले, वातावरण में जो नेगेटिव इफेक्ट जो है, क्योंकि सूर्य की रश्मि जो सूर्य के ऊपर ग्रहण लग रहा है, इसके इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना, इसके अलावा जो स्नान हो गया, स्नान करना बहुत इसी वजह से जरूरी है ग्रहण के बाद। और दान, दान की इसलिए जरूरी है कि आप अगर किसी गरीब दुखी को दान कर रहे हैं आपके ग्रह के कमजोर होने पर, या और ग्रह भी आप छोड़ दीजिए, ग्रह के कमजोर होने पर दान में क्या दिक्कत है, वो कह रहे हैं ग्रह कमजोर है सूर्य ग्रहण के बाद, दान कीजिए वातावरण को शुद्ध कीजिए। नेहा जो बात मैंने आपसे कही थी कि डर का माहौल बनाया जाता है ग्रहण से, या जो चीज लोगों को समझ नहीं आती उस हिसाब से, और एंड में फिर अपना वो लॉजिक पे अपने पॉइंट पे आ गए कि एंड में दान दे दो, तो अब बेसिकली एक मतलब एक जो बहुत ही बड़ा मतलब इनकी जो दुकान चल रही है वो तो फेल हो जाएगी ना, दान तो उसमें दान की दुकान नहीं, एक बात है देखिए इस समय ना 100 गुना ज्यादा दान लगता है, और जो सिद्धि करना चाहे, जो भी जातक इस समय सिद्धि करना चाहता है, यदि कोई रेसलर है या स्पोर्ट्समैन है या पहलवान है, वो हनुमान चालीसा का 1000 बार सुन ले, चीज बिना दान के आपकी कोई भी चीज आप मतलब नहीं करेंगे, तो आप ये बताइए ना, तो बिजनेस हो गया ना फिर, तुम्हें ज्ञान नहीं है तुम्हें, ये 1000 बार कोई पहलवान 1000 बार इसका हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ करे ये 5 बजे तक, तो इंटरनेशनल कोई उसे हरा नहीं सकता, सिद्धि का अमूल्य इस समय तो, वो तो पाठ करके सब ठीक हो जाएगा ना, फिर दान क्यों चाहिए, दान देखिए 100 गुना जो ग्रह दशा है शांत हो जाएगी, 100 गुना लगेगा, आम दिनों में 1 गुना लगेगा, इन दिनों गरीबों को दान करने में। देखिए मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ, ये जो फियर और होप है ये इसी का खेल है, तो अभी शास्त्री जी ने तो बल्कि ये भी कह दिया कि जिस कलर का ग्रह है उसी कलर का दान करें, तो मेरे ख्याल से सोने की तरफ इशारा था, तो मैं चाहूंगा कि लोग इस बात को समझें कि ऐसी चीजें केवल एक साइंटिफिक फैक्ट हैं जिसको स्टडी करना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गोडार्ड स्टडी सेंटर नासा का अभी स्टडी कर रहा है केवल रेडिएशन, उसमें कहीं पे कोई भी ग्रेविटी उससे होने वाली कोई चीज कहीं नहीं है, कहीं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ गई है। चलिए देखिए बड़ी बात यह है कि जब भी ग्रहण लगता है इसको अशुभ होने से जोड़ा जाता है, तो कई भ्रांतियां होती हैं, कई बातें होती हैं, अब उन बातों में कितना दम है, इसी के लिए हमने ये शास्त्रार्थ कराया, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने इन तर्कों को सुना होगा, जिसमें आपको ज्यादा दम लग रहा होगा उसको आप मानेंगे भी, लेकिन कहीं से भी डर का कारोबार नहीं होना चाहिए, जो चीज सही लगे आपको उसका पालन करें। आपने देखा सूर्य ग्रहण पर शास्त्रार्थ विज्ञान बनाम आस्था का, अब किसका पलड़ा भारी इसका निर्णय आप ही कीजिए। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, एबीपी न्यूज देखते रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।